Hi dear student, this is SAHEB Ali, WBCS Group A 2018 and welcome to my channel Apex Institute of Competitive Exam. And today we will discuss about a very important chapter in economics called the Indian Financial Market. So before starting the discussion, jin logon ne ab tak mere channel ko subscribe nahi kiya, please subscribe kare aur aap logo ko hamara video kaisa lag raha hai iske bare mein hum logo ko zarur bataye. Hum logon ne bahut sare chapters, bahut sare subjects ke upar video upload ki apne channel pe. आप लोग होपफुली देख रहे होंगे, आप लोग पसंद कर रहे होंगे, तो प्लीज़ हम लोगों को बताएं कि हम लोग का वीडियो जो है आप लोगों को कैसा लग रहा है. तो आज मैं आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर इकोनॉमिक्स का, जिसको इंडियन फाइनेंशियल मार्केट कहते हैं हम लोग, जिसके ऊपर पूरा जो है बैंकिंग सिस्टम यानी कि RBI, इसके बाद जो आता है एक चैप्टर, वो पूरा इसी के ऊपर डिपेंड करता है. तो आप लोग को जानना पड़ेगा इंडियन फाइनेंशियल मार्केट के बारे में. तो वो फाइनेंशियल मार्केट बताने से पहले आप लोगों को जानना होगा व्हाट इज़ मार्केट. जैसा कि आपको पता ही है कि मार्केट क्या होता है, मार्केट एक ऐसा प्लेस है जहां पर बायर और सेलर मिलता है, यानी अ प्लेस वेयर बायर एंड सेलर मीट टुगेदर. अब उन लोग मिलके क्या करते हैं, वहां पर होता है एक ट्रांजैक्शन यानी गिव एंड टेक. बायर जो है कुछ सामान खरीदता है और सेलर को कुछ पैसा देता है और इन लोगों का, दोनों का ही अपनी अपनी ज़रूरतें पूरी हो जाती है. तो ये होगा एक मार्केट. सिमिलरली अब हम बात करेंगे फाइनेंशियल मार्केट की. तो फाइनेंशियल मार्केट क्या है, ये एक ऐसा मार्केट है जो एक लिंक प्रोवाइड करता है, एक लिंक के तौर पे काम करता है बिटवीन द सेवर्स एंड द बोरोवर्स. बेसिकली हम लोग जो है अपने आप कुछ इनकम को संभाल के रखते हैं, तो हम लोग चाहते ये कि हम लोग का जो इनकम है, जो सेव किया वो हमारा जो सेविंग्स है, उस सेविंग्स को हम लोग कुछ ऐसी जगह पर इन्वेस्ट करें जहाँ से हम लोगों को मैक्सिमम रिटर्न मिल सके. सिमिलरली बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो बिजनेस स्टार्ट किए हुए हैं और उनको ज़रूरत होता है लोन का, उनको पैसा की ज़रूरत होती है, उनको हम लोग बोरोवर्स कहेंगे. तो वो लोग चाहते हैं कि हमको एक ऐसी जगह से पैसा मिले जहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट या फिर हमको रेट जो है कम देना पड़े. तो ये दोनों चीज़ का जो है, दोनों यानी कि सेवर्स एंड बोरोवर्स जहाँ पर मिलेंगे उसको हम लोग कहेंगे फाइनेंशियल मार्केट. अब ये देखिए, ये मार्केट क्या करता है, दिस मार्केट ट्रांसफर द मनी फ्रॉम दोज हु हैव सरप्लस मनी टू दोज हु आर इन नीड ऑफ इन्वेस्टमेंट. अब ट्रांजेक्शन का बेसिस क्या होता है, इंटरेस्ट और डिविडेंड. यानी कि मैं जो पैसा लगा रहा हूँ, अगर मैं सेव कर रहा हूँ, मैं सेविंग कर रहा हूँ, तो जो मैंने पैसा लगाया तो उसके ऊपर जो मुझे एक्स्ट्रा जो पैसा मिलेगा, डैट इज़ कॉल्ड द इंटरेस्ट और द डिविडेंड. बट इंटरेस्ट और डिविडेंड दो अलग चीज़ है, ये मैं आपको बताऊँगा बाद में. उसके बाद में आता हूँ टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट के बारे में. बेसिकली फाइनेंशियल मार्केट को दो हिस्सा में बांटा गया है, क्लासीफाई किया गया, मनी मार्केट एंड द कैपिटल मार्केट. मनी मार्केट हम लोग उस मार्केट को कहते हैं जो बेसिकली प्रोवाइड करता है शॉर्ट टर्म लोन्स, यानी बेसिकली लोन फॉर अ पीरियड ऑफ वन ईयर, नॉट मोर देन वन ईयर. यानी एक साल के अंदर तक का जो भी लोन, यानी जो भी लोन प्रोवाइड कर रहा, मैक्सिमम वन ईयर उसका ड्यूरेशन होगा. तो मनी मार्केट के बारे में आपको ये याद रखना है कि ये सिर्फ एक साल के लिए ही, यानी 364 दिन, यानी लेस देन वन ईयर के लिए ये लोन प्रोवाइड करता है. और ये जो एक क्वेश्चन आता है, हमेशा ही आता है, ये याद रखना आपको, मनी मार्केट इज़ गवर्न बाय RBI, यानी मनी मार्केट को रेगुलेट करता है RBI. RBI पूरा मनी मार्केट को कंट्रोल करता है, ठीक है. अब मनी मार्केट में जो ट्रेडिंग होता है वो एक्चुअली डन होता है ऑन द रेट नोन एज डिस्काउंट रेट, ठीक है, जो मार्केट में ही डिटरमाइन किया जाता है कि डिस्काउंट रेट क्या होगा. इसी मनी मार्केट को हम लोग वर्किंग कैपिटल मार्केट भी कहते हैं. अब इसे हम वर्किंग कैपिटल मार्केट क्यों कहते हैं, क्योंकि ये वर्किंग कैपिटल प्रोवाइड करता है. बेसिकली दो तरह का कैपिटल बिजनेस को जरूरत होता है, एक को हम लोग बोलते हैं फिक्स कैपिटल, एक को बोलते हैं वर्किंग कैपिटल. फिक्स कैपिटल जो होता है फिक्स्ड एसेट्स खरीदने के लिए होता है, यानी कि जो एक बार हम लोग खरीदते हैं और उसको हम लोग 5 साल 10 साल तक इंजॉय करते हैं. जैसे मान लीजिए एक मशीन खरीदा तो वो फिक्स कैपिटल में आता है, मतलब मशीन खरीदे उसमें जितना भी खर्चा होगा तो मशीन क्या है कि 5 साल 10 साल चलेगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे फिक्स कैपिटल. सिमिलरली अगर जो डे टू डे एक्सपेंसेस है कंपनी का, एक फैक्ट्री का, यानी हम लोगों को डेली बेसिस पे रॉ मटेरियल खरीदना पड़ता है, वेजेस पेड करना पड़ता है, हर महीना सैलरी पेड करना पड़ता है, तो ये तमाम चीज़ जो कैपिटल पूरा करता है उसको हम लोग बोलते हैं वर्किंग कैपिटल. तो मनी मार्केट जो है इसको वर्किंग कैपिटल मार्केट भी कहा जाता है. मनी मार्केट को जो है फर्दर क्लासीफाई किया गया दो हिस्सा में, यानी कि ऑर्गेनाइज मनी मार्केट एंड अनऑर्गेनाइज मनी मार्केट. ऑर्गेनाइज मनी मार्केट हमें किसको कहेंगे हम, ऑर्गेनाइज मनी मार्केट यानी जहां पर जो भी काम होगा रूल्स एंड रेगुलेशन के तहत होगा, यानी वो मार्केट जो रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करे उसको हम लोग कहेंगे ऑर्गेनाइज मनी मार्केट.
ठीक है, ये ऑर्गेनाइज मनी मार्केट में बहुत सारा इंस्ट्रूमेंट्स आता है, जैसे कि ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर्स, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कॉल मनी मार्केट, ये तमाम चीज जो है ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट में आता है। इसी तरह बात करते हैं अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट की। अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट वो मार्केट होगा जहां पर कोई रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं किया जाता है, ठीक है। यानी कि जनरली जो है विलेज मनी लेंडर्स जो होते हैं, यानी कि साहूकार जो है या सेठ होते हैं, जो वो तमाम जो है कोई रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं करते, उन लोगों का इंटरेस्ट रेट भी बहुत हाई रहता है। वो लोग भी लोन प्रोवाइड करते लेकिन दे चार्ज अ वेरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो उसको हम लोग कहेंगे अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट। अब दोस्तों मैं बात करूंगा कैपिटल मार्केट के बारे में। कैपिटल मार्केट यानी कि वो मार्केट जो लोन प्रोवाइड करता है मोर देन वन ईयर के लिए, ठीक है। यानी कि यहाँ पर लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड किया जाता है, उसको हम लोग कहते हैं कैपिटल मार्केट। और इसके बारे में आपको बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना है कि कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करता है सेबी, यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। ये आपको याद रखना है, जिस तरह मनी मार्केट को रेगुलेट करता है आरबीआई, सिमिलरली कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करता है सेबी, यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी वॉज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1988 एंड इट वॉज गिवेन अ स्टैटूटरी स्टेटस इन द ईयर 1992। तो एट द सेम टाइम आपको ये भी याद रखना है, कैपिटल मार्केट इज फर्दर डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स, यानी प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट एक ऐसा मार्केट जहां पर न्यू शेयर को इशू किया जाता है, यानी कोई भी शेयर अगर फॉर द फर्स्ट टाइम इशू हो रहा है तो पहले जो उसको प्राइमरी मार्केट में ही इशू किया जाएगा, तो इसलिए प्राइमरी मार्केट को हम लोग कहते हैं न्यू इशू मार्केट। अब एक बार किसी भी कंपनी का शेयर मार्केट में इशू हो गया, अब सेकेंड टाइम अगर उसको इशू करना है तो वो जो मार्केट में इशू होगा डैट इज कॉल्ड द सेकेंडरी मार्केट। यानी प्राइमरी मार्केट में पहला बार कोई भी शेयर अगर आता है मार्केट में तो जो इशू होगा जिस मार्केट में उसको हम लोग कहेंगे प्राइमरी मार्केट, एंड सिमिलरली सेकेंड टाइम से अब जब इशू होगा तो उसको हम लोग कहेंगे सेकेंडरी मार्केट। यानी कि दोस्तों प्राइमरी मार्केट यानी जहां पर न्यू शेयर इशू होगा उसे कहेंगे प्राइमरी मार्केट, और जहां पर ओल्ड शेयर इशू होगा उसे कहेंगे सेकेंडरी मार्केट। और होपफुली आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा, तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, ठीक है। ये चैप्टर यहीं पर क्लोज करते हैं, ये चैप्टर यहीं पर खत्म हुआ। नेक्स्ट चैप्टर में मैं आप लोगों को आरबीआई के बारे में बताऊंगा, नेक्स्ट हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम आपको आरबीआई के बारे में बताएंगे, ठीक है। बाय।